नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी एक्सचेंज जो थी बाहर की उनको बैन कर दिया था, जिसमें बाइनेंस भी प्रमुख थी। तो अब जो एक खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एक इंटरनेशनल एक्सचेंज को जो है वो FIU उन्होंने कंप्लाइंस पूरी कर दी है इंडियन गवर्नमेंट की, जिसमें मैं बात करूंगा आज के वीडियो में। और कुछ ऐसी अच्छी अच्छी न्यूज़ भी लूंगा जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, और कुछ ऐसी भी न्यूज़ लूंगा जो थोड़ी सी चिंता भी आपके सिकन पर डाल सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, क्योंकि अगर बिटकॉइन के प्राइस के बारे में अगर बात नहीं की तो वीडियो एक तरीके से अधूरा होता है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो अभी चल रहा है $64,466 के आसपास। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो 73,000 तक गया था, लेकिन अभी जो है वो बीच में डंप हुआ था, थोड़ा करेक्शन लिया, 60,000 के आसपास पहुंचा, और उसके बाद फिर से थोड़ा सा करेक्ट होकर ये पहुंचा करीबन 67,000 के आसपास, और 67,000 के बाद ये अभी आ गया है 64,000 के आसपास। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि अभी बिटकॉइन जो है वो साइडवेज चल रहा है, और इसके पीछे रीज़न मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि ग्रे स्केल का जो GBTC है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो सेल हो रहे हैं, जिसकी मैं चर्चा भी कर चुका हूँ, जिस वजह से बिटकॉइन के प्राइस आप देख रहे होंगे कि जिस बहुत तेज़ी से वो सेल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिटकॉइन के प्राइस जो हैं वो $60,000 से नीचे नहीं जा पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टोकरेंसी के लिए। अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम के प्राइस के बारे में, तो इथेरियम का प्राइस भी ठीक वही पैटर्न पर चल रहा है जिस तरीके से बिटकॉइन के प्राइस चल रहे थे। यहाँ इथेरियम का प्राइस जो है अभी चल रहा है 3,360 के आसपास, और ये भी साइडवेज चल रहा है, और आने वाली उम्मीद कह रहे हैं कि जब ये थोड़ा सा कम होगा, ग्रे स्केल का जो GBTC जो बिक रहे हैं वो थोड़ी सी जैसे ही कम होगी और मार्केट में थोड़ा सा आपको मूवमेंट नज़र आएगी, तो ये आराम से आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं बात करता हूँ सेंटिमेंट की, तो यहाँ सेंटिमेंट भी जो हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, कोई बुरे नहीं चल रहे, क्योंकि जिस तरीके से बिटकॉइन और इथेरियम और जो अच्छे अच्छे कॉइन हैं जो खरीदे जा रहे हैं, तो यहाँ आप देखिए सेंटिमेंट जो है वो करीबन 73% चल रहा है। तो सेंटिमेंट जो है मार्केट का बहुत अच्छा बना हुआ है, और बिटकॉइन 60,000 से नीचे नहीं जा रहा, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है इतनी बिकवाली के बावजूद भी। लेकिन दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कुछ खास खास खबरों के बारे में, जो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक एक्सचेंज जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसने FIU जो है वो कंप्लायंस पूरे कर लिए हैं, और आने वाले टाइम में ये आपको इंडिया के अंदर सर्विस दे सकता है। इसे क्या इंप्लीमेंट होगा ये मैं बात करता हूं। तो यहां मैं बात कर रहा हूं आपको एक तरीके से KuCoin के बारे में, और KuCoin की जो पोस्ट आई है वो देख सकते हैं आप नीचे, ये इन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की थी कल, और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा, और यहाँ इन्होंने क्लियर कह दिया है कि इन्होंने FIU कंप्लाइंस जो है ग्लोबल एक्सचेंज ने वो एक तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं, और पहली ग्लोबल एक्सचेंज बनी है जिसने FIU कंप्लाइंस पूरे किए। FIU का मैं अगर फुल फॉर्म कहूँ तो ये है एक तरीके से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो एक तरीके से ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का मतलब ये है कि इनको पूरी तरीके से इंडिया की जो रूल्स रेगुलेशन है फाइनेंशियल, उनको फॉलो करना पड़ेगा, KYC वगैरह पूरा रखना पड़ेगा, उसका डाटा रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट जब जब इनसे मांगेगी इनको गवर्नमेंट को प्रदान करना पड़ेगा, और ये आराम से इंडिया में काम कर सकते हैं। दोस्तों, बात अब ये हो रही है कि क्या इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन एक्सचेंज को। देखो, अगर इंडियन एक्सचेंज नहीं सुधरते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी शिकायतें सुनने को मिल रही हैं, और ये नहीं है कि केवल एक एक्सचेंज, इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी एक्सचेंज जो हैं जो यहाँ काम कर रही हैं उन सभी एक्सचेंज के बारे में बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि क्रिप्टो को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अगर आप बैंक में अगर आप लेना चाहते हैं पैसे वो नहीं करते, वो पड़े रहते हैं, पेंडिंग पड़े रहते हैं, सपोर्ट काम नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो रही हैं। तो अगर इंडियन एक्सचेंज नहीं सुधरे तो यहाँ ये KuCoin के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार हो जाएगा इंडिया के अंदर, और लोग जो हैं वो KuCoin को आराम से यूज़ करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाहर की जो एक्सचेंज हैं काफ़ी कुछ बंद कर दी हैं, काफ़ी कुछ क्या सारी एक्सचेंजेज जो हैं उनको बंद कर दी थी, कुछ OKX जो है वो अभी काम कर रही थी, लेकिन खबर जो आ रही है कि OKX ने भी इंडिया में जो अपनी सर्विस है वो बंद कर दी है। तो अब केवल जो है वो KuCoin रह गया है जो आने वाले टाइम में इंडिया को अच्छी तरीके से सर्व करेगा।
दोस्तों अब मैं बात करता हूं एसईसी की तरफ से, और जैसा कि मैंने ट्वीट भी किया था एक दो दिन पहले कि बहुत ही जल्दी जो है इथेरियम का आपको ईटीएफ देखने को मिल सकता है, लेकिन खबर ये आ रही है कि एसईसी ने इसको अभी डिले कर दिया है, क्योंकि पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि इस साल के मई तक इथेरियम का फ्यूचर ईटीएफ आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी जो ग्रे स्केल की खबर आ रही है वो ये है कि इन्होंने इसको डिले कर दिया है। दूसरी बात मैं आपको कहूं कि जो ग्रे स्केल के जो सीईओ हैं गैरी गेंसलर, उन्होंने जो है गवर्नमेंट से मांग की है कि भैया हमें कुछ फंड और प्रदान किया जाए, क्योंकि हम जो है प्रॉपर तरीके से एक रेगुलेशन लाना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो उन्होंने और भी फंड की मांग की है। तो अगर इनको और फंड मिलता है तो ये क्या करेंगे, केवल डंडा करेंगे। और इनके पीछे आपने देखा ही होगा कि बिटकॉइन के ईटीएफ में इन्होंने कितनी कलेश की थी, काफ़ी दिनों से चकलस चल रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी वो लगी हुई थी, इसलिए इन्होंने इनको मजबूरन ईटीएफ जो है बिटकॉइन का अप्रूव करना पड़ा। अब वही कहानी जो है वो आपको इथेरियम में चल देखने को मिल सकती है कि मई तक की उम्मीद आ रही थी और मई तक इन्होंने अभी मना कर दिया है कि हम मई तक जो है वो इसको अप्रूव नहीं कर सकते, तो अब देखिए कितना लंबा आगे ये खींच सकता है। दोस्तों अब मैं अगली खबर लेता हूं यूएई की, और यहां की खबर जो आ रही है वो खबर बहुत अच्छी है, और वो ये है कि बिटकॉइन जो है वो मोस्ट प्रिफर्ड क्रिप्टो करेंसी बन गया है यूएई के अंदर, क्योंकि काफी लोग यूएई में काम कर रहे हैं, और यूएई में करें भी क्यों नहीं, क्योंकि वहां के रूल्स रेगुलेशन जो है वो काफी अच्छे हैं, लोग काफ़ी इजी गोइंग तरीके से वहाँ काम कर सकते हैं, वहाँ टैक्सेस की भी इतनी मारामारी नहीं है जिस तरीके से इंडिया में टैक्सेस लगा रखे हैं। तो ये जितना गवर्नमेंट आपको सहूलियत देगी तो आराम से वहाँ के जो बासी हैं उस देश के वो अच्छी तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं थोड़ी सी जो मैं कह रहा था कि थोड़ी सी चिंताजनक खबर है वो मैं लेना चाह रहा हूं, और वो खबर आ रही है एप्पल के मैक की तरफ से। दोस्तों खबर ये आ रही है कि एप्पल के मैक पे जो एम सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ बग पाया गया है जो आपके प्राइवेट की को कंप्रोमाइज कर सकता है। तो जो मैक का एम सीरीज का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, और ये मैं खबर इसलिए ले रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको यूज कर रहे हैं, तो भैया थोड़ा सा आप सुरक्षित होइए। और देखिए ये जो एप्पल की जो टीम है वो इस पर लगी हुई है इसको कंट्रोल करने के लिए, तो अगर ये सारी चीजें होती है, क्योंकि एप्पल जो है सबसे एक तरीके से सेफ माना जाता है कि एप्पल के जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई भी किसी तरीके का अटैक नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके की ये चीजें आ रही हैं तो ये थोड़ी चिंताजनक है, और उम्मीद करता हूं कि एप्पल की टीम जो है वो इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर देगी। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट और न्यूज मैंने आपको बताया, और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी का भी बटन दबा सकते हैं। दूसरा मैं कहूंगा कि अगर आप हमें सोशल मीडिया पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी पर आप हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, हमने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाइए और इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।